नाम है? साकिब। साकिब, ये नाजरीन, ये इस वक्त हमारे सामने वो मुल्ज़िम है जिसने आज से 11 साल पहले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, दो दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की की बरहना वीडियो बनाई, उसको ब्लैकमेल करते रहे और उसके साथ जबरदस्ती की। किसके क्या हुआ था सारा वाक्य खुद बताओ, क्या मामला है बताओ, क्या हुआ था? इधर देखो, बताओ, लड़की को कौन लेके आया था? ये बताया सर। नहीं, वो ये दूसरा है। लड़की को कौन लेके आया था? जमील। जमील क्या करता है कि उसके साथ जबरदस्ती तुमने की और तुम्हारे साथ और कौन कौन था? जमील था, आलम जैद था। तुम लोगों को उस बच्ची पे, उस लड़की पे रहम नहीं आया? हाँ, इधर देखो, जल्दी जल्दी बोलो और जाओ। उस लड़की पे रहम नहीं आया तुम लोगों को? हाँ, इधर देखो, रहम नहीं आया? गलती होगी सर। क्या गलती होगी? गलती होगी। मैं अपने तमाम नाजरीन को बताना चलूं जी, उस लड़की की ये वीडियो मुसलसल बनाते रहे ये लोग, उसको बहाना किया, उसकी इज्जत लूटी, उसकी वीडियो बनाई, उसको सिगरेट लगाते रहे, उसको मारते रहे, और उसके बाद फिर उसका कुरान पे उससे हलफ लिया कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे वालिद को मार देंगे, और लड़की बेचारी खामोश रही। और लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, 11 साल बाद ये लोग पकड़े गए हैं। वीडियो कौन बना रहा था? जमील। हाँ, जमील। जमील क्या करता है? देख रही है। नहीं, वैसे ये लड़कियों का क्या मामला है जी? लड़कियों का क्या मामला है? किस तरह? जो तुम उस लड़की के साथ तुम जो जुल्म जबरदस्ती कर रहे थे वीडियो बना के, इंडियन गाने लगा के, उस वक्त तुम्हें ये ख्याल नहीं है कि तुम्हारे अपने घर भी बहन है, बेटी है? गलती होगी। तो जब अपने पे आता है तो गलती है। इधर देखो मेरी तरफ, जब अपने पे आता है तो गलती है। दूसरे की बेटी की तुम लोग वीडियो भी बनाओ, उसको जलील भी करो, खुआर भी करो, ब्लैकमेल भी करो, इसके अलावा और कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया तुम लोगों ने? किसी को नहीं। तो इसको क्यों किया, इसको कौन लेके आया था? मैंने तो नहीं किया सर। तुम क्या कर रहे थे वहां पे? मुझे इसने बुलाया था, लड़की इसने बुलाई थी। क्या कह के बुलाया इसने तुम्हें? लड़की आई है। तो तुम चले गए इतने आराम से? दोस्त है तुम्हारा? हैं, क्या? नहीं, दोस्त नहीं। दोस्त नहीं है? तो फिर क्यों गए तुम उसके घर, उस लड़की के साथ जुल्म करने? गाने लगा के तुम ही उसको उठा उठा के नीचे फेंक रहे हो। इधर देखो, गाने लगा के तुम ही उसको उठा उठा के नीचे, बेचारी कपड़े बचा रही है अपने, अपने आप को कवर कर रही है, तुम फिर उसको बरहना कर रहे हो। ये शर्मिंदगी उस वक्त क्यों नहीं थी? ऊपर मुंह करो जरा, शर्मिंदगी उस वक्त क्यों नहीं थी तुम्हारी? ये क्या पैसे लेता बंदा, दूसरा जो जमील है जी सर, क्या करता है ये? पूरी बात बताओ उसके बारे में, क्या करता है ये? हाँ, क्या करता है ये? इधर ऊपर बताओ, क्या करता है जमील? लड़कियां चलाता है। हाँ, लड़कियां चलाता है। अच्छा, तो पैसे लेता, तुमने कितने पैसे दिए थे उस दिन? 500। 500 दिया और उस लड़की के साथ जबरदस्ती की तुमने? या तो वो लड़की बेचारी गलत होती, इधर देखो, वो तो बच रही थी बेचारी अपने आप को। जिन जो लादरी ने इस वीडियो के हवाले से, जो मैं थोड़ा सा बता दूं कि उस बच्ची बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया जिसकी इंतहा नहीं है। अब क्या कहते हो, सजा होनी चाहिए, माफी होनी चाहिए तुम्हें? इधर देखे बताओ, मांगते हैं सजा जो कानून के मुताबिक। क्या मांगते हैं? माफी मांगते हैं अल्लाह से, जो कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, हमने वो उसकी आवाजें सुनी है उस लड़की की, वो भी बड़ी माफिया मांग रही थी। हाँ, इधर देखो, वो भी बड़ी माफिया मांग रही थी, तो माफ कर देते बेचारी को, अल्लाह के वास्ते दे रही थी तुम्हें, ऐसा ही है ना? हाँ या ना में जवाब दे दो, वास्ते दे रही थी ना वो? क्या जी? दे रही थी, तो उसको माफ कर देते उस वक्त, तुम्हें इस जिल्लत का तुम्हें भी सामना ना करना पड़ता। खुदा ना खासा किसी अपने के साथ तुम्हारे कोई ऐसा करे तो उसको क्या करोगे, जल्दी बता दो फौरन, उसके साथ क्या करोगे तुम? मार दो। हैं? मार दो। उस बंदे को मार दोगे? तो वो भी किसी की बेटी थी। इसको इतना पता है नाजरीन कि जो जुल्म इसने किया है वो कितना खतरनाक है, कि ये अगर कोई, खुदा ना खासा, माजरत के साथ मैंने इसे पूछा है, हालांकि ये इसने बड़ा सफा के सिगरेट लगाते रहे उस बच्ची को, ये लोग कहता मैं उसको मार दूंगा जो कोई मेरी कोई किसी अपने के साथ कोई ऐसा करेगा, तो जब
किसी की बहु बेटी को आप लोग गलत नजर से देखोगे तो अपने बारे में अच्छा सोचो तो दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचो। सिगरेट क्यों लगाते रहे उस लड़की को, मारते क्यों रहे हो उसे, बता दो। गलती होगी सर। हाँ गलती होगी सर। सिगरेट भी लगाता रहे जी, गलती होगी। मारते रहे जी, गलती होगी। उसकी वीडियो बनाई, गलती होगी। आज इसकी वीडियो बन रही है और पूरा पाकिस्तान देखेगा। ऊपर मुंह करो जी। वो ये सरकारी मुलाजम है जी, ऊपर मुंह करो जरा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजिम है और इनका वीडियो एविडेंस मौजूद है कि इन्होंने उस लड़की के साथ क्या किया। मेरी जितने भी नाजरीन हैं उनसे, जो मेरा भी जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या फेसबुक पेज देख रहे हैं, तो उनको मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि ये मामला ऐसा है कि ये लोग अक्सर लोग कहते हैं जी कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए मुलजिम से। वो उस वीडियो में जो जुल्म इन लोगों ने उस बच्ची के साथ कर दिया, मैं उसका दर्द महसूस करके मैं इससे बात कर रहा हूं और एविडेंस मौजूद है कि किस तरह वो बच्ची भाग रही है, बचा रही है अपने आप को, और ये लोग उसको बहाना कर रहे हैं, मार रहे हैं, सिगरेट लगा रहे हैं, उसको ज्यादा का निशाना बना रहे हैं। बहरहाल जहां तक हमारी कोशिश है, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब की बहू बेटियों बहनों को अपने हिफ्ज़ोमान में रखे, ऐसे दरिंदों से बचाए, ऐसे शैतानों से बचाए, और ऐसे लोगों को अल्लाह हदायत दे कि अगर अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरों की बहू बेटियों के बारे में भी अच्छा सोचें। कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज भी आप जरूर जो है फॉलो और लाइक कीजिएगा। अभी ये मुलजम माफी का तलबगार है, अगर वो लड़की इसको माफ कर देती है तो फिर डेफिनेट फिर इस पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त DPO जो मानसेरा है सादिक बलोच साहब, उनकी बड़ी अच्छी कोशिश है। ये पुलिस ने बर्वक कार्रवाई की और इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारी भी कोशिश है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करें। उस न जाने कितनी बहू बेटियों को ये इसी तरह जबरदस्ती बुलाते हैं और फिर उनको वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं। लड़की को लेके किसकी बीवी आई थी ये मुझे नहीं पता, जमील ने मुझे बुलाया था, अभी लेके कौन आया मुझे ये नहीं पता। जमील ने बुलाया था तुम्हें जी, लड़की आ गई है जी इस तरह, और कितने लोगों को बुलाया उसने पता नहीं सर, वो मुझे नहीं पता कितने को बुलाया। तो ये गाने लगा के वीडियो अगर बन रही थी, वीडियो तुम क्यों उस तरह से, जमील ने बुलाया, तुम सारा इल्जाम जमील पे लगा रहे हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सर। है मैंने भी गलती की है, लेकिन बुलाया उसने। तुमने गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है, किसी की बेटी की इज्जत तार तार की है, उसकी वीडियो बना के आज तुम्हारी वीडियो बन रही है। कैसा लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है हैं? हो रही है शर्मिंदगी? अच्छा जैसा तुमने उस लड़की के साथ किया, तुम्हारी अभी इस माजरत के साथ तुम्हारी भराना वीडियो बनाई जाए ऐसे, इधर देखो बना के वायरल करें, इधर देखो मेरी तरफ, जैसे तुमने उस लड़की मासूम सी लड़की थी उसको जलील किया, ऊपर देखो, हाँ या ना में जवाब। तुम्हारी भराना वीडियो बनाया अभी हम नहीं, नहीं। क्यों? उसकी लड़की तो बनाई, लड़की की तो बनाई थी ना तुम लोगों ने वीडियो कि नहीं बनाई थी? ना बनाए, ना बनाए, ना ना बनाए, शर्म आती है, शर्मिंदगी होती है, ऐसा ही है ना? जी। वो ऊंचा बोलो ना जी। हाँ जी हाँ, अपने लिए शर्मिंदगी होती है इन लोगों को। हम ऐसा नहीं कोई हरकत करेंगे ना, ऐसा सोच सकते हैं। तुमसे पूछा भी हमने माजरत से है कि माजरत भाई, अगर सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि किसी की बहू बेटी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, किसके साथ, किसी की बहन बेटी के साथ। चले जी, अब ये शख्स माफी का तलबगार है, ये तो अल्लाह ताला का मामला है इसका और अल्लाह का और उस लड़की को, अगर वो लड़की माफ़ कर देती है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि खुदा रा गलत काम का गलत नतीजा है, गलत सोबत से बचें। ये लड़का था, इसको इसका दोस्त गलत था, उसने बुलाया, वीडियो बनाई, उसके साथ लड़की के साथ जुल्म किया लोगों ने, उसको जो है टॉर्चर करते रहे, गरीब की बच्ची को, वो उसने अल्लाह पर छोड़ दिया था मामला, उसने डर के मारे नहीं बताया किसी को, क्योंकि इन्होंने धमकियां दी थी कि उसे और उसके बाप को मार देंगे। लेकिन 11 साल बाद इन्हीं का मोबाइल जो है उसमें से वो वीडियो रिकवर होती है और वो जब सामने आती है पुलिस के, तो पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके इनको पकड़ लिया। मोबाइल किसका, जो 11 साल किसके मोबाइल में रही वीडियो, वो जमील के, जमील के मोबाइल में। तो मोबाइल से वीडियो बाहर कैसे आई ये भी इसको पता होगा, उसको भी पता होगा, उसको पता होगा। बहरहाल ठीक है जी, नाज़रीन रबते में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।